नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। साथियों, इस वक्त की बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जी हां साथियों, आपको बता दें कि बिजली उपभोक्ताओं के लिए इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है। यूपी के 3 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं के काम की खबर है। अगर आपके पास बिजली के बिल जमा करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है तो आप पार्ट टाइम यानी किस्तों में भी बिल जमा करा सकेंगे। इस सुविधा की खास बात यह है कि इसमें पार्ट पेमेंट को आप खुद तय कर सकते हैं। इसके लिए एक्सीएन या एसडीओ के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पावर कॉर्पोरेशन के एमडी पंकज कुमार ने इसका आदेश जारी कर दिया है। कस्टमर को यह पार्ट पेमेंट ऑनलाइन और काउंटर दोनों पर जमा कराने की सुविधा मिलेगी। इसमें एक शर्त यह है कि कम से कम 100 रुपए जमा कराना होगा, उससे कम की राशि पार्ट पेमेंट में स्वीकार्य नहीं होगी। कस्टमर महीने में कई बार यह पार्ट पेमेंट जमा करा सकते हैं। यह सुविधा पूरे प्रदेश में 1 जून से लागू हो जाएगी। तो साथियों, बड़ी खबर खुशखबरी निकल कर आ रही है। कई बार क्या होता है कि पैसा नहीं हो पाता है, एक साथ जमा नहीं हो पाता है बिजली का बिल। ये सुविधा मिलने से कई लोगों के लिए बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी। बिजली विभाग ने बकाया कनेक्शन को जुड़वाने के लिए भी राहत दी है। कस्टमर अगर बकाया राशि का 25% अमाउंट जमा कराता है तो उसका कनेक्शन जोड़ दिया जाएगा। अभी तक कम से कम 50% राशि देनी पड़ती थी, वह भी अधिकारी के विवेक पर था कि वह कनेक्शन जोड़ेगा या कटा रहेगा। ऐसे में ज़्यादातर मौके पर पूरा पैसा लेकर ही कनेक्शन जोड़ा जाता था, यहाँ तक कि एमडी को भी केवल 40% तक की छूट का अधिकार था। बिजली विभाग की सुविधा का फायदा 1 करोड़ से ज्यादा कस्टमर को मिलेगा। अफसरों के मुताबिक प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा कस्टमर कई बार नियमित बिल जमा नहीं करा पाते। ऐसे लोगों के लिए पार्ट पेमेंट की सुविधा काफी फायदेमंद होगी। इस नई सुविधा से जहां कस्टमर को फायदा होगा, वहीं विभाग को भी रेवेन्यू में इजाफा होने की उम्मीद है। पावर कॉर्पोरेशन का घाटा मौजूदा समय में करीब 97,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। उम्मीद है कि पार्ट पेमेंट की सुविधा देने के बाद विभाग का रेवेन्यू बढ़ेगा। घाटे की एक बड़ी वजह बिजली कस्टमर का बकाया है। प्रदेश में लाखों की संख्या में ऐसे कस्टमर है जिनका बिजली का बिल लंबे समय से बकाया चलता आ रहा है। आपको ये खबर कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट।